नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिडैक्स में, जहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ रोज़ नए नए कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की नई कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है अश्वराज, जो पब्लिश हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस रोमांचक कॉमिक्स को, जिसका नाम है अश्वराज। हा, तुम सब मिलकर भी नहीं रोक पाओगे मुझे कारू का खजाना लूट लेने से। चिंतापोकली नगर के राजा चिंतित सिंह, जिन्होंने राज्य में रखा एक शानदार रथ मैराथन का आयोजन, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर देशों के राजा महाराजाओं व राजकुमारों सहित अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रमुख थे जादूपुरम से राजकुमार चाउमीन, संकटपुर से राजा संकट सिंह, विश्व पाताल से पाताल जिन, बाबरपुर से राजा झिंगा मस्ती, दातखाज का अमीर दादू बोरा, ककड़ी खीरा से भिंडी सिंह, अश्वलोक से राजकुमार अश्वराज। लेखक तरुण कुमार वाही, कला निर्देशन प्रताप मलिक, चित्रांकन विट्ठल कामले, संपादन मनीष चंद्र गुप्ता। रथ मैराथन के लिए आए मेहमानों के रथों के घोड़ों की गजब शान थी। 10 घोड़ों का मेरा रथ ही जीतेगा ये मैराथन, हिन 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 हिन। राजकुमार चाउमीन के 10 घोड़ों को मात दे देंगे पाताल जिनके ये 2 घोड़े ही। झिंगा मस्ती के रथ में जुड़ी है घोड़ियां, अब भला ये घोड़े दौड़ कैसे जीत पाएंगे, ही ही ही। विजय होगी केवल भिंडी सिंह की। क्यों दादू बोरा, अपने इन मरियल घोड़ों से जीतोगे तुम ये रथ मैराथन? संकट सिंह, नन्ही सी चींटी ही हाथी को मार देती है। कौन कमबख्त जीतने आया है ये रथ मैराथन? मुझे तो उस पल का इंतजार है जब किशन की प्रतीक्षा थी दादू बोरा को। रथ मैराथन के मुख्य अतिथि थे महर्षि फूक मसान। आसन ग्रहण करें मुनिवर, तब रथ मैराथन आरंभ किया जाए। एक विशाल गोलाकार मैदान में रथों का जमघट लगा था। हर आंख में तैर रहा था विजय का स्वप्न। न जाने कौन होगा इस रथ मैराथन और राजकुमारी कुदुम चुंबी का विजेता। महर्षि फूक मसान ने रथ मैराथन को झंडी दिखाई। आरंभ हो। घोड़ों की टापो और सवारों के शोर से गूंज उठा रथ मैराथन का मैदान। हुर्र, चलो भागो रे, हुर्र, हिक हिक हिक, भाग रे भाग, निकलो रे आगे मरियले घोड़े दादू बोरा के, ही ही ही। ओह, इस संकट सिंह की बोलती तो मैं जरूर बंद करूंगा। भिंडी सिंह की विजय का स्वप्न रथ के पहियों के साथ ही चूर चूर हो गया। कड़ाक, ओह, रथ का पहिया गया। राजकुमार चाउमीन का एक घोड़ा न जाने कैसे खुल गया और फिर सबके सब एक दूसरे पर ढेर हो गए। हिन हिन हिन, हाय राजकुमारी। राजा झिंगा मस्ती की घोड़ियां इतनी तेज दौड़ी कि अरे रे, एक पहिया ही अलग हो गया उसके रथ का। संकट सिंह भी हो गया धराशयी। आ बचाओ, उसके घोड़े उसे संकट में छोड़कर भागते चले गए। संकट सिंह, तेरे घोड़े तो सचमुच बहादुर निकले रे, मुझे बचा लो दादू बुरा, रथ गिरा तो बहुत चोट लगेगी मुझे। आंधी तूफान जैसी प्रचंड गति के साथ दौड़ रहा था एक रथ, अश्वराज का 5 घोड़ों का रथ। अश्वराज 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 विजेता। रथ मैराथन का विजेता वही रथ सवार था। मुबारक हो नवयुवक, तुमने ये मैराथन जीत ली है। और दादू बोरा की निगाहें भी जा टिकी थी रथ मैराथन के विजेता अश्वराज पर। रथ मैराथन का विजेता अश्वराज, जिसकी तलाश मुझे यहाँ खींच लाई। दातखाज का अमीर दादू बोरा क्या षड्यंत्र रच रहा था अश्वराज के खिलाफ? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कारू का खजाना प्राप्त करने से, ही ही ही। राजकुमारी कदम चुम्मी ने जयमाला अश्वराज को पहना दी। अश्वराज जिंदाबाद, राजकुमारी कुतुम चुम्बी की जय। समापन समारोह के पश्चात सब मेहमानों को उनके कक्षों में पहुंचा दिया गया। राजकुमारी का सौंदर्य ही अश्वराज को ले आया था रथ मैराथन में खींचकर। अद्भुत है कुतुम चुम्बी तुम्हारा रूप सौंदर्य। रूप सुंदरी का अस्तित्व खतरे में था। बौने शैतान बुखारी को बाहर निकालना होगा। बौने शैतान बुखारी, बहुत सो लिए, अब बाहर निकलो इस डिब्बे से। आश्चर्य, नन्ना सांगूठे भर का बौना शैतान बुखारी बाहर निकला तो? बोलो दादू बोरा, कैसे याद किया? राजकुमारी कुदुम चुम्बी को केवल तुम ला सकते हो बुखारी। मैं जाता हूँ, राजकुमारी के कक्ष तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल नहीं, इन 2 पहरेदारों से तो निबटना ही होगा। पहरेदारों के लिए चौंकने का क्षण था। अरे, ये बौना कहाँ से घुसाया यहाँ? बौना नहीं हूं मैं, शैतान हूं। बौने का शस्त्र हवा में सनसनाया।
सन खचाक। अब तो यहां से बचकर नहीं जाएगा बोने सैतान। गजब की फुर्ती थी बुखारी में, अपनी मौत भेजी है तूने मेरे पास। खचाक, तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा शैतान बोने। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं शैतान हूं। ठाक, उफ। अगले दिन हंगामा मच गया। राजकुमारी जी महल से गायब हैं। उनके कक्ष के बाहर दो सैनिकों की लाशें पाई गई हैं। कहां गई राजकुमारी? कौन ले गया राजकुमारी को? जवाब दो, रात तुम सब महल की पहरेदारी पर थे। महल से कोई बाहर नहीं गया महाराज। खामोश, शोले बरस रहे थे राजा चिंतित सिंह की आंखों में। तभी, महाराज की जय हो। महाराज, कल रात मैराथन में हिस्सा लेने आए मेहमानों में से दाद खाज के अमीर दादू बोरा भी महल में नहीं है। दादू बोरा? सिकुड़ गई राजा चिंतित सिंह की आंखें। दादू बोरा अपने रथ पर उड़ा जा रहा था। हा हा हा, राजकुमारी कुदुम छुम्बी को मेरी कैसे केवल मैं स्वतंत्र कर सकता हूं। बौने सैतान बुखारी ने लाजवाब काम किया है। अब मुझसे दूर नहीं है कारू का खजाना। महल में अश्वराज ने घोषणा की, मैं जाऊंगा राजकुमार कुदुम छुम्बी की तलाश में। किंतु अश्वराज, उसे रोको मत राजन। कोई साधारण मानव नहीं बल्कि एक विलक्षण मानव है अश्वराज, जाने दो उसे। झंकार वन में रथ रोका अश्वराज ने। हिन, अब इनकी मदद के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। रक्तांबर, कालाघोर, अश्ववट, नीलकंठ, श्रव्य शक्ति, तुम पांचों पांच हाथ हो मेरे। शैतान दादू बोरा की खोज में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कालाघोर, तुम्हारी विशेषता है कि तुम मीलों दूर तक सूंघ सकते हो। शैतान दादू बोरा के घोड़ों की गंध सूंघ रहे होंगे तुम। किस दिशा में गया है दादू बोरा, बताओ कालाघोर। हिन, ओह, ये उत्तर की ओर संकेत कर रहा है। रक्तांबर, तुम दूर तक देख पाने में सक्षम हो, देखकर बताओ कि उत्तर की ओर दादू बोरा कहाँ है। ही, रक्तांबर का संकेत समझ गया अश्वराज। श्रव्य शक्ति, क्या तुम उस शैतान की आवाज सुन पा रहे हो? तुम भी तो मीलों दूर तक सुन सकते हो श्रव्य शक्ति। हिन, हा हा हा, राजकुमारी कुदुम छुम्बी को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। हा हा हा, श्रव्य शक्ति क्या सुना तुमने? अश्ववट को बताओ। हिन हिन हिन, अश्ववट के पास भी थी अद्भुत शक्ति। हा हा हा, राजकुमारी कुदुम छुम्बी को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। हा हा हा, श्रव्य शक्ति की भाषा को समझा उसने और अश्वराज को मानव बोली में सब कुछ बता दिया। अश्वराज की भुकुटियां तन गई। ओह, लेकिन तेरी मृत्यु को मैं अवश्य देख पा रहा हूं दादू बोरा। तब अश्वराज मुखातिब हुआ नीलकंठ से। नीलकंठ, अद्भुत मस्तिष्क क्षमता है तुम्हारे अंदर। अश्वभट को बताओ कि क्या दादू बोरा पर आक्रमण का ये उचित अवसर है मेरे लिए? एक से बढ़कर एक थे रथ मैराथन के विजेता। अश्वराज, नीलकंठ कह रहा है कि इसमें सोचना कैसा, उस शैतान को तुरंत मौत के घाट उतार दो। ऐसा ही करूंगा मैं अश्वभट, ऐसा ही करूंगा मैं नीलकंठ। दादू बोरा, झंकार वन दहल उठा था अश्वराज के क्रोध से, लेकिन दादू बोरा तक पहुंचना आसान न था। अश्वराज, रक्तांबर आगे खतरा देख रहा है। खतरा? तभी, रुक जाओ अश्वराज, वरना मारे जाओगे तंबोला के हाथों। खच, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं भी अश्वराज, पहचान लो मुझे, मेरा नाम है भूत कपाल। उफ, पिच्छू धड़ा से भी मिल लो अश्वराज। हा हा हा, उफ, आह, श्रव्य शक्ति कुछ सुन रहा था। हा हा हा, दादू बोरा के अंगरक्षकों से बचेगा क्या अश्वराज? अश्ववट ने श्रव्य शक्ति का संदेश दिया अश्वराज को। अश्वराज, ये तीनों दादू बोरा के अंगरक्षक हैं। दादू बोरा? अच्छा है, वहां उसे बचाने के लिए अंगरक्षकों की भीड़ नहीं होगी। अश्वराज, 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 अकेला अश्वराज, तंबोला, भूत कपाल, बिच्छू धड़ा, तीन तीन शैतान। अश्वराज, बचा तंबोला का वार। वार तो अश्वराज के बचाना तुम। शटाक, ओह, अच्छी तलवारबाज है ये तंबोला। मेरी तलकश तलवारों से कभी खाली नहीं होती। दुश्मन का गला रेतने के लिए एक तलवार हमेशा रहती है उसमें। याई! इस बार अश्वराज ने अपने हाथ को थोड़ी सी हरकत दी थी। कड़ाक! इसलिए मैंने अभी तक तलवार नहीं चलाई थी। अचानक, अरे कहाँ गायब हो गई तंबोला? तंबोला को छोड़ो अश्वराज, मुझसे लड़ो, लड़ो या मरो। साय, 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 साय। भूत कपाल की टक्कर से बचना अश्वराज। ओह, ये क्या, ये तो तिलश्मी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। कड़ाक,
इस बार संभलने का अवसर नहीं दिया अश्वराज ने भूत कपाल को। क्यों भूत कपाल, इस हाथ को काट दू ना। इसके साथ ही भूत कपाल भी हो गया गायब। अरे ये भी गायब। और अब था अश्वराज के सामने बिच्छू धड़ा। बिच्छू धड़ा के जहरीले डंक दर्द करते हैं शरीर में। अच अच, डंकों से ही सारे वार नहीं करता मैं। लेकिन बड़ी फुर्ती के साथ पलट कर आया अश्वराज। तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है बिच्छू धड़ा। और इसी के साथ बिच्छू धड़ा भी गायब। किंतु अगले ही पल, अरे ये तीनों तो फिर प्रकट हो गए। हम तीनों का संयुक्त आक्रमण नहीं झेल पाएगा अश्वराज। महर्षि फूक मसान ने झूठ नहीं कहा था। विलक्षण मानव था अश्वराज, अद्भुत विस्मयकारी, अश्वलोक का महाबली, महापराक्रमी, अश्वमानव अश्वराज, चमत्कार। अश्वराज अब उन्हें दिन में भी तारे दिखा सकता था। थड़, उफ, उफ, तड़ाक। इसी के साथ तीनों पुनः हो गए गायब। और अपने रथ पर पहुंचा दादू बोरा। बस बस अश्वराज, तुम्हारा यही रूप देखने के लिए आंखें तरस रही थी मेरी। दादू बोरा तुम? तुरंत ही अश्वराज में परिवर्तन हो गया अश्वमानव। राजकुमारी कुदुम छुम्बी कहां है शैतान? उसका पता मैं तुम्हें तब बताऊंगा अश्वराज, जब तुम मुझे लाकर दोगे कारू का खजाना। कारू का खजाना? ये बात अच्छी तरह से समझ लो अश्वराज, कि चाहे दादू बोरा लाश में क्यों ना बदल जाए, पर कारू का खजाना भेंट दिए बिना तुम राजकुमारी को नहीं पा सकते। दादू बोरा के चेहरे की दृढ़ता को महसूस किया अश्वराज ने। ठीक है दादू बोरा, ठीक है, लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए कारू का खजाना। वाह, तो फिर चलो मेरे साथ। अश्वराज के मस्तिष्क में तूफान सा मचल रहा था। चिंता पोकली नगर के चप्पे चप्पे पर छाई थी चिंता ही चिंता। पता नहीं अश्वराज कब लौटेंगे राजकुमारी को लेकर। महर्षि फूक समान योग साधना के बल पर हर पल नजर रखे हुए हैं उस पर। इधर महल में राजा चिंतित सिंह बेहद चिंतित थे। महर्षि कृपा करके आंखें खोलिए और बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। राजा चिंतित की चिंता कुछ कम हुई। राजन, कहानी दूसरा रूप लेने लगी है। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा महर्षि। चिंता और बढ़ गई चिंतित सिंह की। अश्वराज कारू का खजाना लेने जा रहा है। क्या? शरीर का रोया रोया खड़ा हो गया राजा चिंतित सिंह का। महर्षि उठकर चल पड़े। उसे रोकना होगा राजन, रोकना होगा उसे। और उसे रोकने के लिए मेरे ये 12 शिष्य अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। कौन है विलक्षण मानव अश्वराज, दादू बोरा, राजकुमारी कुदुम छुम्बी, शैतान बोना बुखारी, बिच्छू धड़ा, महर्षि फूक मसान, तंबोला, भूत कपाल और उनके 12 शूरवीर, महापराक्रमी वीर और जादूगर शिष्यों के रहस्यों से लबालब इस सनसनीखेज श्रृंखला का अगला कॉमिक्स कारू का खजाना पढ़ना ना भूलें। राज कॉमिक्स की एक और शानदार भेंट, कारू का खजाना। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स अश्वराज। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।